शाजापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 35 किलोमीटर दूरी के सामने ग्राम पंचायत घटिया खुर्द में विधायक निधि और पंचायत पांचवी वित्त आयोग राशि से निकाले गए 2 टीन शेड निर्माण के पैसे। विधायक निधि से निकाले गए 5 लाख रुपए और 5 पर राज्य वित्त आयोग 2 लाख रुपए 9,000। सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम मालवीय ग्राम पंचायत घटिया खुर्द गाँव रूपापुर चिल्लर माता मंदिर के पास एक टीन शेड बना हुआ, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम मालवीय ने 2 टीन शेड को एक में बताकर 7,09,000 रूप का सरकार का चूना लगा है। जबकि बता दें ग्रामीणों को इसकी भनक जब लगी है तो ग्रामीणों ने मंगलवार को एक बैठक आमंत्रित की। बैठक में उसके बाद विधायक इंदर सिंह परमार को अवगत करवाया गया और इस प्रकार से ग्राम पंचायत घटिया खुर्द के सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम मालवीय ने लाखों रुपए का चूना ग्राम पंचायत और विधायक निधि पर लगाया है। बता दें सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम मालवीय के ऊपर ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले दबे हुए। टीन शेड के नीचे का फर्श भी गुणवत्ताहीन बना हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद में उसे लीपापोती कर दिया गया। आरटीओ के तहत जब इसकी जानकारी मांगी गई तो इसका और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। सूत्र की माने तो आंगनबाड़ी चौक पुरानी बनी हुई है, प्लास्टर करवाया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ताहीन और पुराने ही आंगनबाड़ी पर प्लास्टर करवाया जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आएंगे। पूरी जानकारी जब जैसे ही मीडिया ने एकत्रित की और कई खुलासे होने की संभावना लगी हुई है। प्राइम मेकर न्यूज़ चैनल के लिए सुनील जाट